जनपद हापुड़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में किसान विरोधी कानूनों को खारिज कराने व एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनवाने की मांग को लेकर सरदार वीएम सिंह के आह्वान पर देशव्यापी किसानों ने चक्का जाम किया। हापुड़ जिले में पुराने टोल टैक्स के स्थान ततारपुर बाईपास निकट काली नदी के स्थान पर किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम सदर सत्य प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। यह चक्का जाम शांतिपूर्ण और कोरोना वायरस के चलते हुए 2 गज की दूरी कानून की गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न हुआ। चक्का जाम करने में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, अखिल भारतीय किसान प्रधान संगठन, अखिल भारतीय किसान महासभा आदि संगठनों ने चक्का जाम किया। मांगे सरदार वीएम सिंह जी जो हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, तो उनके आज दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष में लगभग किसानों के छोटे और बड़े 350 संगठनों ने आज चक्का जाम किया है। और हमारी मुख्यतः मांगे यही हैं, जो ये काला कानून लाई है हमारी सरकार, इसे वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो नीचे फसल बिके उसे जो है सजा का प्रावधान हो, या उससे नीचे बिकनी नहीं चाहिए। एमएसपी मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे कम रेट पर हमारी फसल ना बेची जाए, भंडारण पर नियंत्रण रखा जाए और पत्ती पराली वर्षों से जलती आ रही है अब भी जलाई जाए।